गाजा सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। गाजीपुर जिले के मसौनी, गुड़ूर और मिसरौली सहित आधा दर्जन गांव के ग्रामीण सड़क पर उतरे। 15 दिनों से पानी में घिरे हैं। बांध खोलने गए थे लेकिन महेन के लोगों ने पत्थरबाजी कर भगा दिया। प्रशासन से गुहार लगाई, अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे तो लट्ठू डीह में खोल दिया मोर्चा। हाल के दिनों में अचानक मौसम की मार से उत्तर प्रदेश के गांव किसान तबाह हैं। हालत यह है कि जिन गांवों में नदी का प्रकोप नहीं है वो भी अत्यधिक पानी के कारण डूब गए हैं, और जहां नदी का स्रोत है वहां तो जल जला ही है। पूरी तबाही मची है, गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। इसी तबाही जनित गांव में गौसेपुर जिले के पूर्व विभाग के दर्जनों गांव शामिल हैं। ये गांव हैं गुड़ूर, मिसरौली, मसौनी, महेन और अन्य। पिछले 15 दिनों से यहां के ग्रामीण पानी में घिरे हैं। फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं, जानवर खाने बगैर मर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसी के खिलाफ गुरुवार की सुबह ये ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए। आंदोलन पर उतरने का मुख्य कारण ये था कि ये ग्रामीण महीन के पास स्थित बांध को खोलने गए थे ताकि पानी बह जाए, लेकिन महीन के ग्रामीणों ने वहां के मुखिया की अगुवाई में इन ग्रामीणों पर पत्थर बरसाकर भगा दिया। ये आरोप खुद ग्रामीण लगा रहे हैं। इसी से उत्तेजित होकर ग्रामीणों ने लट्ठू डीह के पास सड़क को घेर दिया। काफी देर के बाद वहां अधिकारी आए। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें उपेक्षित किया है। वहीं एसडीएम का कहना है कि वे सुबह 4 बजे तक कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाले हुए थे, उसके बाद वो आवास आए और नहाने के बाद यहाँ पहुंचे। उनका कहना था कि वो ग्रामीणों की समस्याओं से वाकिफ हैं और हर हाल में समाधान निकलवाएंगे। फिलहाल ग्रामीण आंदोलनरत हैं। मेरा नाम प्रताप नारायण मिश्रा है, मेरा घर मिसरौलिया है। हम लोग महेन गए, मंगई नदी में पानी था, पानी को निकालने के लिए हमारे साथ के 5 लोग पानी में जब कूदे, उसके बाद वहाँ के मुसलमान के बच्चे और औरत सब लोग मिल करके पत्थर ढेरा से पथराव किए। हम लोग का यकीन निर्णय है कि हम लोग का पानी निकल जाए और डीएम साहब आए। आज 10 दिन से रोज आजकल हो रहा है, 2 तारीख से हो रही है। मेरी दिन भर में 5 दिन, 2 बार नहीं, 5। अभी तक आप लोग का कोई निशान नहीं? कुछ नहीं निष्कारण हुआ। 2 गाड़ियां गई है निकालने के लिए, अभी वहाँ सिर्फ फीडबैक लेते हैं। जितने थाने के सिपाही दरोगा जी जा रहे हैं सब चुपचाप वहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन वो मछुआरों से मिली हुई है, क्या पैसा ले रही है, मछली मरवा रही है। पता चल रहा है कि करीब हफ्ता में 1 लाख रुपया ले रही है। आपके यहाँ एसओ साहब भी नहीं गए थे? एसओ साहब आज गए हैं, उसके पहले नायब साहब गए थे, अभी एसओ साहब गए थे। वहाँ गंगा की स्थिति आ गई है, आप गलत बात है। हाँ गए ना को लेके। अच्छा बीच में 2 दिन से आप कह रहे थे आ जाइए, सब आ जाइए। कितना जरूरी था हमको तब वहाँ, मान लीजिए मोहम्मदाबाद देख रहे कितना सेंसिटिव जगह है। आप जाइए, आप कहाँ से मार के चाहे नहीं आएंगे, आप मत आइए। बाबर कुलेश्वर को बुला लिए हैं, आप पहले दिन आए हम लोग गए भी, उसके बाद आप भी गई, बाद में पुलिस भी पुलिस खुलवा रहे हैं वहाँ पर।
आप चलेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। कोर्ट को भी हम बुला ले, इसीलिए एक्स्ट्रा फोर्स हमारे पास रहे। काम वहाँ बिना नाव का कुछ नहीं, नाव हम व्यवस्था कर रहे हैं। करीमुद्दीन पूरे अशोक मौके पहुँच खुलवा रहे हैं, हम भी चली रहे प्रशासन की बुलवाइए तब लेते हैं। 9 बजे से इसके बाद आपने मेरे दोनों नंबर को बंद कर दिया। अरे ये आप सोचिए, पूरी बात बता रहे हैं आप। बात कर बात ये है कि हम 4 बजे भोर में आए हैं, तो हमको 1 घंटा हमको फ्रेश हो सोने देंगे कि नहीं? आप सोए नहीं है 4 बजे से? बताइए आप प्रशासन नहीं कर रहे हैं भाई, कुछ केवल एक आदमी गए थे उनके साथ, एक कांस्टेबल सुनिए बता रहे बताइए बन जाएगा नहीं बनेगा तो चलिए 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 नहीं सुनिए जाइए, आपके पास खत्म नहीं है। एक मैंने यशो से कहा तो कहा कि एसडीएम साहब आ रहे हैं, इसके बाद आपसे नुकसान हो रहा है अभी लगा रहे हैं कहाँ लगा? कई लोग तो किए थे, गुड़ाऊर का कोई किया था मेरे पास, बात नहीं हुई थी आपसे? हुई थी, आप आए कहाँ? तो का किए हैं, नहीं आए तो? अरे समय से अब नहीं आ पा रहे हैं, 4 बजे भोर में हम आए हैं वहाँ से, तो कुछ हमको समय दीजिए। नहीं इधर उधर जा रहा है, चलिए अब चल रहे हैं, आपके पास थी हम लोग चल रहे हैं, हम चलिए दस दिन में हम लोग पहचान राम दिया होगा कुछ वहाँ देखिए, वहाँ जब तक नाव नहीं रहे हम चल रहे हो ना व्यवस्था ना, 30 फीट पानी है और ढुकने नहीं दे रहे हैं। हम पहले कहे थे आए थे सोमानी से, उसी दिन कहे थे जब हम आएंगे तो नाव लेकर चला जाएगा, इतना आसानी से कटवाएंगे फटवाएंगे नहीं, हम कटवाएंगे कटवाएंगे हम बैठेंगे नाव में, चलिए आदमी है पानी में जाएगा, हम वहाँ कटवाएंगे 40 फीट पानी है, जानते हैं क्या बोल रहे हैं? उन लोगों को खोजो, अरे हम लोग आप नहीं हम चल बात नहीं, चलिए बैठा भी आ रहे हैं, उनको पूरी फोर्स से बुला लिया भाव को लेकर पूछना हो पूरा काट कर ना, अब पूरा काट कर उसमें तैरा नीचे करकट डाले ना, हम मैंने मैं 8 बजे से परेशान हूँ, उसके बाद इस दरोगा के कहने से हाँ आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ, धन्यवाद।